हेलो, सलाम वालेकुम। ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेन की बहुत दुखद हादसा हुई है जिसमें पता नहीं कितनों की जाने चली गई, किसका बेटा किसका कौन कोई अंदाजा नहीं। ये देखिए, आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे लाशों को रखा जाता है, ये देखिए। ये तो आपने देख लिया लाश को कैसे उठा उठा के फेंका जा रहा है। अब एक बाप अपने बेटे को खोज रहा है सभी लाशों में, देखिए। दादा, किसे ढूंढ रहे हैं आप? लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कारवांडा में। कहाँ से? शालीमार से उठा था। घर कहाँ पे आपका? हम का सुगो। सुगो बाल्तीपुर भद्रक जो होता है। हाँ, तो एयरटेल पदमपुर उसमें। अच्छा, सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? थोड़ा बात कर दी ना, मुर्गो लोग को पता पड़ा दे। मिलता नहीं है। मन को शक रखिए, आप देखिए इस तरफ। मिलता नहीं, हमने सब ढूंढ लिया। अब जो ट्रेन में जा रहा था और पटरी के वजह से आगे नहीं जा पाया, वो जो है लड़का, देखिए किस तरह से अपने दुख को, दर्द को सरकार के सामने जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़के की आवाज़ को सुनिए, कितना दर्द भरा है। लीजिए, आपके सामने है, सुनिए। गरीब जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में। हे हो सरकार, पैसा दे छक तू देवे, नेता सब लागल रहे छ बढ़िया गाड़ी लेबे, नेता सब लागल रहे छ बढ़िया गाड़ी लेबे, कोना के गरीब जीते, कोना के गरीब जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छ अपने जोगाड़ में, नेता सब लागल रहे छ अपने जोगाड़ में। तीन दिन से खाना हम से होना खयलियै, पानी एक सहारा ई गाना गलियै, पानी एक सहारा ई गाना गलियै, कोना के गरीब जीते, कोना के गरीब जीते अपने बिहार में, नेता सब लागल रहे छे अपने जोगाड़ में।